तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो कि उनको सिर्फ वीडियो बनाने बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि प्रॉपरली ढंग से कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है सही ढंग से, वो भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा। तो अभी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें वीडियो के साथ आपको ये भी सिखाएंगे कि टाइटल कैसे लिखा जाता है, टैग कहाँ से लाया जाता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखा जाता है। तो बिना इंतज़ार किए हुए हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे YouTube वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके लिए चलिए अब चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए अब चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि कैसे YouTube वीडियो आप अपलोड करिएगा। आने के बाद और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर YouTube पर क्लिक कर देंगे। YouTube पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्लस का देखिए यहाँ पर सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपलोड वीडियो लिखा हुआ, अपलोड वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। हम कोई वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर गए सेलेक्ट फाइल में और कोई एक वीडियो भी हम तत्काल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लीजिएगा, अब वीडियो आ गया आपका अपलोड सेक्शन में। देखिए यहाँ पर वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर सबसे पहला बात क्या है कि आपको टाइटल रिसर्च करना है। क्या करना है दोस्तों, टाइटल रिसर्च। कैसे टाइटल रिसर्च करिएगा, हम आपको सबसे बेस्ट तरीका जो बता जा रहे हैं टाइटल रिसर्च करने का, आप कुछ मत करिएगा, आप सीधे YouTube में जाइएगा और लिखिएगा हाउ टू अपलोड वीडियो इन YouTube, इंटर मार दीजिएगा। जैसे इंटर करिएगा सबसे पहले देखिए भाई साहब यही लिखे हैं, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। दूसरा मनोज देव सर का है, YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तीसरा YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो ये लोग अगर इसका मतलब कि ये सही तरीका है, तो आप यहाँ पर यही कीवर्ड को आप उठाइएगा और इसी को टाइटल को आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको साइनो यूज करना है, इंग्लिश भाषा में साइनो बोलते हैं, तो आपको क्या करना है कि जाइएगा यहाँ पर और एक टैग है जिसका नाम है रैपिड टैग, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो टैग में हम आपको वो बताएंगे कि कैसे वो किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने यहाँ पर आ गए, लिख देंगे हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो, लिख दिए। अब यहाँ पर आपको देखिए टोटल कितना कैरेक्टर लिखने का है, 100। हम यहाँ पर भी 28 लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक हाइफन दीजिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पर यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, हो गया एक ये लिख दीजिएगा, दूसरा हो गया। तो टाइटल हम यहाँ पर लिख दिए, और आपको हिंदी में लिखने का मन है तो हिंदी में लिख दीजिएगा, लेकिन हम आपको सजेशन देते हैं कि आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिखिए, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम है इंग्लिश में वो अच्छा समझता है, ठीक है। अब हैश टैग लगाइएगा, लिख दीजिएगा यूट्यूब, हैश टैग लिखिएगा यूट्यूब टिप्स, फिर हैश टैग लिखिएगा हम एट द रेट ऑफ, अब किसी को जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है, जैसे लिखते हैं टेक्निकल योगी, आप लिख सकते हैं अगर आपके पास कैरेक्टर बचा तो। तो ये तरीका हम आपको बताएं क्या चीज़ का, टाइटल लिखने का। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल लिखने के बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम और किसी और वीडियो में बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको प्रॉपरली एक वीडियो मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा चीज़ होता है। लेकिन अभी हम आपको तत्काल के लिए बता देते हैं कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखिए तो सबसे पहले जो आप टाइटल और टैग यूज किए उसको कॉपी करिएगा, और कुछ करिए चाहे नहीं करिए इसको सबसे पहले आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, उसके बाद इस वीडियो में आप क्या बताने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर ब्रीफ कर दीजिएगा कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से YouTube में वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं और बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है।
5000 करेक्टर तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थंबनेल्स आ गया, यहाँ पर थंबनेल्स पर जो आप थंबनेल्स बना कर रखिएगा वो थंबनेल्स को यहाँ ले लीजिएगा, लेकिन 2 MB से कम यहाँ पर हम ले लिए थंबनेल्स। फिर आप प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट मतलब होता है कि जैसे हम हमारा कोई प्लेलिस्ट है, मान कर चलिए कि हमारा जो रोशन टेक है उसमें आप जाइएगा और यहाँ प्लेलिस्ट में कीजिएगा, तो यूट्यूब का एक सीरीज हम स्टार्ट किए, 90 वीडियो का टोटल सीरीज है, पूरा देखिए यूट्यूब के बारे में, बाप नहीं बन जाइएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हम कैटेगरी बना लिए, तो हम एक कैटेगरी प्लेलिस्ट कैसे तैयार करिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा न्यू प्लेलिस्ट और यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दीजिए, मान के चलिए यूट्यूब, अब यहाँ पर से क्रिएट कर दिए और यहाँ पर से यूट्यूब लिख के सर्च कर दीजिएगा क्रिएट, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा यूट्यूब लिख के सर्च करिएगा और यहाँ से हो जाएगा। तो हम क्या किए, ले लिए और यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है, डन कर दिए। डन करने के बाद क्या करिएगा, नीचे आ जाइएगा, नीचे जब आइएगा तो आपको चैनल सेटिंग करने से बताया थे कि नो इट्स मोड फॉर कैट, मतलब यहाँ पर आपको नो इट्स नोट फॉर मीड फ्री, अगर बच्चा के लिए आप बना रहे थे इस पर क्लिक करिए, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करिए, इस सब को आप छोड़ दीजिएगा, अभी ये सब के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए आ जाता है टैग, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है सभी यूट्यूबर को कि टैग कहाँ से लाएं सर, तो देखिए हम टैग का सलाह 2-3 जगह से देते हैं कि आप 2-3 जगह से टैग ला सकते हैं। एक तो बहुत अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है रैपिड टैग, आप रैपिड टैग में जाइए, वहाँ से टैग आप उठा सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है और लिख दीजिएगा rapidtag.io, यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना, रैपिड टैग, ये देख लीजिए अच्छा से। और आपको क्या करना है कि जो आप कीवर्ड टाइप किए थे, जो आपने कीवर्ड लिखा था, वो जो आपका जो टाइटल कीवर्ड था उसी को आपको कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहीं पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। रैपिड टैग आपको खुद ब खुद जो है कीवर्ड आपको ढेर सारा दे देता है, आपको टैग देखिए दे दिया है ना, आप इस टैग को कॉपी करिएगा और अपने YouTube वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दीजिएगा, अरे आपका 500 करेक्टर लेगा लेकिन कितना 623 हो गया, तो कुछ कुछ जो फालतू हमारा पहले से बाय डिफॉल्ट हम उसको हटा देंगे, रेड कलर से हो चुका है वो आपका हट जाना चाहिए, सिर्फ हम हटा दिए, हाँ रेड हरा हो गया। अब यहाँ से क्या करिएगा, नीचे आ जाइएगा, ठीक है, नीचे आते जाइएगा, अब नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए हिंदी, फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट, आप कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग डेट आज का ले लेते हैं, फिर यहाँ पर से लेसन जैसे ले लेते हैं धनबाद, कहाँ पर आपका लोकेशन है, फिर नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, आपका ये सब जो चीज़ें हैं इसका एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, अभी आपको ये सब नहीं लेना है तो इसको छोड़ के चलिए। लेवल खाली आप ले लीजिए, हमारा बिगनर है जो, मतलब कि जो मेरा बिगनर स्टूडेंट है उसके लिए, तो बिगनर ले लीजिएगा, देन यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर आएगा ऐड सबटाइटल, अगर आप अपने वीडियो में सबटाइटल लगाना चाहते हैं तो सबटाइटल भी लगा सकते हैं, जैसे आप A2 सर का देखे होंगे कि उसमें जो बोलते हैं वो लिखाते जाता है, तो वो सबटाइटल है, सबटाइटल मतलब वो इन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एक तरह से जो बोल रहे हैं वो लिखा रहा है, तो उसका स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंड इन स्क्रीन, मतलब कि वीडियो के लास्ट में देखिएगा 4 पॉपअप जैसा आता है, तो वो आप वीडियो के लास्ट में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप प्लस पर जाइएगा और यहाँ से क्या प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी लगा सकते हैं, हमको एक प्लेलिस्ट ले लेते हैं और यहाँ से सेव कर दीजिएगा, ये एक प्लेलिस्ट हो गया। इसी तरह से आप 3-4 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐड कार्ट, मतलब कि आप चाहते हैं कि जैसे कोई बोलेंगे आई बटन देखिए आता है, तो आप चाहते हैं कि अगर मेरा आप प्रीवियस वीडियो आपको छूट गया है तो आपको ऊपर हम उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे या वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आई बटन, तो आई बटन के लिए यहाँ पर ऐड में जाइएगा और जिस वीडियो को देना चाहते हैं प्लेलिस्ट तो प्लेलिस्ट ले लीजिएगा और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट लेना है बस ले लीजिए, अगर आपको मान के चलिए कि सेव करना है आप सेव कर दीजिए, तो इस तरह से आप उसको ऐड टू कार्ट पर, ऐड कार्ट पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर करने के बाद आप कुछ नहीं करना है, फिनिश करना है और पब्लिक, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको अनलिस्ट करिएगा, अनलिस्ट करने के बाद आप अपना वीडियो खुद देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पब्लिक करना है, ना कि डायरेक्ट आपको पब्लिक कर देना है। तो हम अनलिस्ट करके और यहाँ से सेव करिएगा, हो गया आपका वीडियो अपलोड। इस तरह से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से कैसे भी आप सही ढंग से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से जरूर करिए। तब तक के लिए
धन्यवाद।